अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल से आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और अपने पुराने टॉपिक के साथ। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मल्डोवा की। लास्ट 2 वीक्स में मुझे कम अज़ कम कोई 70 से 75 कॉल रिसीव हुई हैं। एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ई वीज़ा सभी को मिल जाता है, इमिग्रेशन पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं, और इनविटेशन कैसे ले सकते हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, इस तरह के कई चीज़ें। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा मैंने बता दिया था, लेकिन चलें कोई नहीं, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इससे पता चल जाता है कि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते। इससे आपके जहन में सवाल थोड़ा सा पार्ट देखा तो आपने मुझे सीधा मुझे कॉल मिला दी या मुझे टेक्स्ट करना शुरू कर दिया कि इसका जवाब दें और अभी जवाब दें। अच्छा, एक और चीज़ है, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए यूके टाइम 5 बजे, शाम 5 बजे के बाद में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ऑफिस टाइमिंग में करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता अनलेस के बहुत कोई एमरजेंसी हो तब। और दूसरा, अगर आपको कोई भी मतलब, अगर आप पंजाबी हो मुझसे वॉइस मैसेज मुझे कीजिए, मैं आपको पंजाबी में जवाब दे दूँगा। उर्दू हिंदी बोलते हैं, मैं उर्दू हिंदी में जवाब दे दूँगा। इंग्लिश आपको अगर आती है तो मैं इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती प्लीज़ मुझे रिटर्न मैसेज ना कीजिए, मुझे मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, तो इसलिए मैं आपको जवाब सही तरह नहीं दे सकता। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लें प्लीज़, एंड थैंक यू। और जो मेरे दोस्त बिल्कुल इस वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो वेरी मच जी। चलें, अच्छा मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, मैं एक एक को खुद ही पढ़ता हूँ और ख़ुद ही जवाब देता हूँ जो आप दोस्तों ने मुझे किए थे मेरे मोबाइल पे। अच्छा, क्या सभी ई वीज़ा मल्डोवा का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? एक मुझे ये 3 दफ़ा ये मुझे कॉल आई है डिफरेंट लोगों की और मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सभी कर सकते हैं मल्डोवा का ई वीज़ा अप्लाई? सभी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली मैं एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो आपके पास एक लॉजिकल आंसर है कि भाई यहाँ पे एम्बेसी नहीं है इसलिए मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया। इंडिया में न्यू दिल्ली में है इसकी एम्बेसी, अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हैं या इसके गिरदो नवाह में, तो आप कहें कि मैं ई वीज़ा अप्लाई करूँगा, या आप किसी फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में हैं जैसे दुबई है, या आप टर्की में हो एंड दोहा में हो कतार में, तो आप कहो कि मैं ई वीज़ा अप्लाई करूँगा। वीज़ा रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वीज़ा जो है रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एम्बेसी जाओ। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, मल्डोवा की इमिग्रेशन कैसी है और वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हाउ नाउ का पता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप बोल सकते हो। सभी को, वो फॉरनर सभी को रोकते हैं और सभी को पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास डी इनविटेशन बहुत पावरफुल इनविटेशन होती है, उसी को हम लोग वर्क परमिट कहते हैं, या डी इनविटेशन होती है जो आपको, उसको आप वहाँ पे जाके कन्वर्ट कर सकते हो। वहीं पे जाके अगर आपने वर्क करना है, मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, आपका मेडिकल वहीं पर होगा, और आप जिस कंट्री में बिलोंग करते हो, जो आपका होम लैंड है, आप वहाँ से अपना पॉलिस क्लियरेंस रिपोर्ट लेके जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन वो सबसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। लेट्स सपोज कि अगर आप विज़िट करने जा रहे हो, आपको अपनी अकोमोडेशन का पता होना चाहिए, आप ये चीज़ें याद कर लें, आपको होटल के बारे में मतलब पता होना चाहिए। होटल के बारे में आपको बता दूँ, ये मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि कन्फर्मेशन चाहिए, अगर कोई आपका रिलेटिव दोस्त वहाँ पे नहीं है मल्डोवा में और आपको इनविटेशन चाहिए और आपने होटल बुकिंग करना है, होटल बुक को जो है वो आपका कम अज़ कम 4 स्टार होटल होना चाहिए और 5 स्टार, मैं इसके बारे में बाद में आपको बताता हूँ, कम अज़ कम 4 स्टार और 5 स्टार होना चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए उसकी।
अच्छा, उसके बाद था क्वेश्चन कि ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री, हाँ, ये ट्रैवल हिस्ट्री जो है मल्डोवा के वीज़े के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बैंक बैलेंस जो है पाकिस्तानी, वो कम से कम 12 लाख होना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा हो दी बेस्ट है, और आपने 2 या 3 कंट्री विज़िट किए हो। अगर फ्रेश पासपोर्ट भी है, इनविटेशन मिल जाए, वेल एंड गुड है। नहीं मिलती तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या? डॉक्यूमेंट्स सारे वही होते हैं जो शेंगेन के लिए चाहिए। 30,000 की जो है आपकी हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए यूरोस की, और आपका पॉलिस क्लियरेंस रिपोर्ट चाहिए अपने होमलैंड से। मेडिकल आपका वहीं पे जाके होगा। अच्छा, ये तो हो गई इस तरह की चीज़ें। इनविटेशन हम कैसे ले सकते हैं जिनके कोई रिलेटिव नहीं है कोई? ये बात बिल्कुल गौर से सुनिए, इसीलिए मैंने एंड पे रखी कि इनविटेशन अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका फैमिली मेम्बर फ्रेंड वहाँ पे मल्डोवा में नहीं है और आपने इनविटेशन लेनी है, वो कैसे ले सकते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, इससे वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंग्लिश आनी चाहिए, इससे एंट्री आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ, बाद में एक पठान को उन्होंने अभी पिछले दिनों में रिफ्यूज़ कर दिया, उनको एंट्री नहीं, सॉरी, रिफ्यूज़ नहीं किया, एंट्री नहीं दी, उसको ज़ुबान नहीं आती थी। तो उसने बाद में मुझे कॉल करी और मुझे कहने लगा कि भाई मैं तो ऐसे रिफ्यू वहाँ पे से मुझे उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है। तो मैंने कहा क्यों रिपोर्ट किया? कहा था यार मुझे समझ नहीं आया। मतलब उसका यही था कि उसको ज़ुबान की समझ नहीं थी। खैर, वो भी इतने, वो कोई ब्रिटिश तो है नहीं कि उनको इंग्लिश बहुत अच्छी हो, थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है दी बेस्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ये पहले भी ये जेन्युइनली विजिटर है या ट्रैवलर है। अच्छा, इनविटेशन अगर आपका जानने वाला वहाँ पे नहीं है, आप एकोमोडेशन इनविटेशन ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, $1 वो चार्ज करेंगे या 2। बुकिंग नहीं चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। मैं अपनी कम से कम 4 वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ, ये जो पार्ट है ना, लाइक से मल्डोवा, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड सर्बिया, आप कंफर्म उसको उसका होटल का करो, कंफर्मेशन होनी चाहिए, बुकिंग नहीं। 4 स्टार मिनिमम या 5 स्टार, 7 डेज से ज़्यादा नहीं करो। डिपेंड करता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है और पीछे से आपका बिजनेस क्या है। अगर आप मिडिल क्लास हो मेरी तरह, तो 4 से 5 दिन मोर देन इनफ है। आपके पास पूरा प्लानोग्राम होना चाहिए एंट्री के लिए, इमिग्रेशन वहाँ पे मल्डोवा की इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। दूसरा, इनविटेशन का यही तरीकाकार है कि आप उसकी होटल कंफर्मेशन लो और उनको बताओ कि मैं वीज़ा अप्लाई करने लगा हूँ, इसलिए मुझे उसकी इनविटेशन चाहिए, एकोमोडेशन इनविटेशन। वो दे देते हैं, कोई हैसल नहीं है। आप booking.com पे जाके उस होटल की वेबसाइट निकाल के, अगर अच्छी इंग्लिश है फ़ोन करो, अदरवाइज़ किसी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाओ, वो 1,000 यूरो लेगा, 1,000 सॉरी रुपीज़ लेगा, वो आपके कंफर्म जो कंफर्मेशन करवा देगा होटल की। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका और सबसे स्ट्रेट वे है। ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया कि जिन कंट्री में उसकी एम्बेसी है, वो हरगिज़ वीज़ा, ई वीज़ा अप्लाई ना करें। अगर करेंगे तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपने एम्बेसी होते हुए आपने ई वीज़ा क्यों अप्लाई किया। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर इस पर बात करता रहूँगा तो शायद ये 4-5 मिनट और निकल जाएं। आई थिंक कि आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये मैंने जितने भी क्वेश्चन थे, बार बार यही क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने इनको सम अप कर दिया थोड़े टाइम में। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, एंड मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।